हुक्म है जी साहिबाने मिंबर दा के एक नज़्म तुसी तिलावत की सरकार अब्बास दी इज्जत कि वो जरूर तिलावत करो बार हाँ मरतबा हुक्म है तो बाद इजाजत होवे तां जी शाह जी इजाजत करो बिस्मिल्लाह खुदा ने खुदा ने कहा मेरी शोहरत को गाजी तुम्हारे अलम की हवा ही बड़ी है सुभान अल्लाह लखा सलाम ने भाई आलम की मलका थोड़ी तफीकात च दाखल फिर दो तस्वीर मिल जब तक जिंदगी है तस्वीर खुदा ने कहा मेरी शोहरत को गाजी तुम्हारे अलम की हवा ही बड़ी है अल्लाह करे मुझे हाथ रख सुभान अल्लाह मेहरबानी जी शेर सुनान लगे बाबा जी हर गल हर बंदे वास्ते नहीं होंगी हर बंदा हर गल वास्ते भी नहीं आता पांच बारह चौदह मातमी समझ के बोलन मेरे पढ़ने का मकसद ही पूरा हो जाएगा मुझे हाथ रखने की क्या है जरूरत तेरे बाजुओं की वफा ही बड़ी है दस मुहर्रम करबला दे मैदान सरकार अब्बास घोड़ दी जीत सवार होकर मैदान करबला दे विच उमर इब्ने साद कमीने दी निगाह पै गई सारे आप बेशुमार इस हरामी ते लानत करो ढेर सारा सवाब है सारे आप बेशुमार एक कमीना वे कद अब्बास तू हुसैन दी फौज दा जरनैल है तू जंग करन वास्ते है ना तेरे कोल तीर ना तलवार ना नेजा अब्बास कहते नौ लख फौज को डर नहीं लगा अब्बास कह तू जंग नहीं करनी सच आना कमीने आके तू जंग नहीं करनी जला लगे सरकार वफा दे चेहरे ते मुर्शिद अब्बास नौ लख फौज दी अख चक पा के फरमा रहे हैं जो सिफते खुदा हो वो डरता नहीं है खुदा अपने बंदों से लड़ता नहीं है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है अली की बादशाही है अली इसमें इलाही है मुझे हाथ रखने की क्या है जरूरत तेरे बाजुओं की भाई आग्रह इतना प्यारा इतना खूबसूरत शेर है कि मेरे दिल के मैं खलो के सुनू
मौलाना दी इज्जत च मजीद इजाफा फरमाए। अल्लाह करे मुझे हाथ रखने की क्या है जरूरत, तेरे बाजों की वफा ही बड़ी है। सरकार वफा मुखातब होकर फरमा रहे हैं, जो सिफते बिस्मिल्लाह करा तभी तेग मैंने चलाई नहीं है तुम्हें मेरी चुप की सजा ही बड़ी है। सजाए शेर थोड़ी मार्फत ध्यान सुनो, हुक्म है मेरे भाई का कि बार बार वो शेर तुझे जरूर पढ़ना और सादात उजाम कसरत नाल तशरीफ फरमाने इन्हों की इज्जत की कसम है। तुम सारी जिंदगी नौकर के हक च दाद और दुआ करते रहो, थोड़ी दाद और दुआ थोड़ी है। नौकर दिन सत्रह का वजन ज्यादा है, जिन्होंने सरकार वफा गल की थी, तभी तेज मैंने चलाई नहीं है। जितना सख्त होगा खामोशी होगी मेरी बात की चुप ही समझ आएगी, तभी तेज मैंने चलाई नहीं है। बाजी तुम्हें मेरी चुप की सजा ही बड़ी है। नौलत फौज घबराहट का शिकार हो गई, लेकिन अब्बास के जो जुमले आखिर अपनी मर्जी नाल बोले हैं। जागर मेरे हुसैन सरकार वफा मुखातबों के फरमानो कमीना, मैं अपनी मर्जी नाल नहीं बोलिया, लेकिन वे कदन अब्बास फिर तू कहंदी मर्जी नाल बोले। मुर्शिद अब्बास के चेहरे पर जलाल है, सरकार वफा मुखातबों के फरमा रहे हैं, मैं कुन की सर घोलता हूं, कहे मुझको ज़ैनब मैं तब बोलता हूं। अल्लाह अल्लाह हकीम साहब चलो रो पाओ एक बैंड कर जाना एक उम्र बनी दे बछड़े की दे ते 9 लाख बदमाश बुलाए गए ओ दे
बचड़े की ते नौ लाख बदमाश बुला।